नमस्कार दोस्तों, मैं विज्ञान सीरीज की दूसरी वीडियो लेके आ गया हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए इस चैनल पे पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आपके यहाँ मैसेज पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली परमेय, रदरफोर्ड परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो इसका होगा चौथा, संवेग संरक्षण। समुद्री, दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री पानी की जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरती है क्यों? समुद्र का पानी भारी होता है, समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा चार, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक घुला होता है, जिसके कारण उसका घनत्व अधिक हो जाता है। तो घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र से, नदी से यदि जहाज समुद्र में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाती है, इसीलिए आंसर होगा चार। निम्नलिखित माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? निर्वात में, गैस में, द्रव में, ठोस में। तो इसका आंसर है ठोस में, ठोस धातु में, चौथा। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है और प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पर प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ध्वनि की सर्वाधिक वेग स्टील में होती है। 1899 में अल्फा बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जे जे थॉमसन, बैकवेरल। तो इसका सही आंसर है पहला, रदरफोर्ड। मैडम क्यूरी ने नाभिकीय विज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। और पांचवा क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है एक, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमारे घरों में बैटरी का उपयोग होता है, जिसमें तेजाब पड़ता है, सूखी बैटरी नहीं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वही सीसा संचयक बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है वो। चलिए छठवां, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे के छुड़वाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, अल्कोहल, ईथर, मिट्टी का तेल। तो इसका उत्तर है पहला, ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े से स्याही का जंग और धब्बे छुड़ाने के लिए। जैसे यदि आपके कपड़े में धब्बा लगा हो तो आप नींबू के रस से भी छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है सीनेट नंबर से, दूसरा एडीटी बस नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, नाक कंपाउंड से। तो इसका सही उत्तर है तीन, थर्ड वाला, ऑक्टेन नंबर से। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? जीनान, बोरान, आर्गन, कार्बन। तो इसका सही उत्तर है बोरान। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा CV रमन, तीसरा मेघनाथ शाह,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, पित्ताशय, पेट, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय। इंसुलिन जो है शुगर को कंट्रोल करता है। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है 204 हड्डियां, 206 हड्डियां, 208 हड्डियां, 214 हड्डियां। तो इसका सही उत्तर है 206 हड्डियां। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, एलेक्सेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, लुई पाश्चर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था, छोटी माता का। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। इसका सही उत्तर है दूसरा, मैग्नेटाइट। और बॉक्साइट अल्मीनियम का होता है, मैग्नेटाइट लोहे का होता है। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनके रुधिर का वर्ग होता है ओ। न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकरण, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत। तो इसका उत्तर है चार वाला, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तंत्रिका तंत्र की यह आधारभूत इकाई होती है, एक सेल होती है जो एक हाथ के पंजे की तरह और हाथ की तरह इसका आकार होता है। यही इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से सूचनाओं को सिर तक पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? GSLV, IRNSS, PSLV, SLV-3। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, IRNSS। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है नमक, एक। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? टीबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपीज, चांग की हड्डी। तो इसका सही उत्तर है टीबिया, एक। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पर, बारीक कैंची। तो इसका सही उत्तर है एक, लेजर। और ये 19 वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि इसका उत्तर तीसरा है, स्टेपीज। तो ऐसे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। अगला वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगा।